हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है बच्चों रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हम लोग या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसको हिंग्स बर्ग रीजेंट कहते हैं और ये जो टेस्ट होता है इसको बोलते हैं हिंग्स बर्ग टेस्ट। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो KOH में सॉल्बल होता है। सेकेंडरी में रिएक्ट करता है, KOH में इंसॉल्बल, टर्शियरी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन C6H5 SO2Cl से क्या करता है, रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट KOH में क्या होता है, सॉल्बल होता है। 2 डिग्री अमाइन जो होता है वो C6H5SO2Cl से रिएक्ट करता है बट प्रोडक्ट KOH में सॉल्बल नहीं होता है। 3 डिग्री अमाइन C6H5SO2Cl से रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका टेस्ट होता है। तो जैसे ये है ना, यहाँ पे SOCl है और जैसे मान लो RnH2 है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा, ऐसे जाएगा तो ये जाएगा PHSO- O और NH2+ और R, और यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से H+ भी निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा PHSO, यहाँ पे NH और R। ठीक है, अब देखो KOH है ना, तो ये बेस और इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसलिए एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे N-K+, तो ये सॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन है। अगर हम 2 डिग्री अमाइन पे आते हैं तो फिर से PHSOCl+ NH है, इधर R R है, ये इस पे जाएगा। ठीक है, तो PHSO- O इधर है, Cl इधर क्या है NH+ आएगा, ये रिटर्न होगा, Cl निकल जाएगा और H+ निकल जाता है, ये माइनस HCl कर लिया, तो यहाँ पे PHSOON। ठीक है, तो इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए KOH डालेंगे तो ये क्या रहेगा, इनसॉल्वेबल। और जो टर्शरी अमाइन है 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ये बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इसके साथ इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है बल्कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिएक्शन जो है इच
नॉट पॉसिबल। ठीक बच्चों, तो इस तरह से वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। अगला है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ठीक है, तो वही है कि अगर हम जैसे एनिलीन होता है ठीक है, इसमें से बच्चों बहुत बार रिएक्शन आता है। NH2 जो होता है ना, ये क्या होता है, हाई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। NH2 का प्लस R क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है, ये होता है स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग। तो अगर हम इसको अगर हम Br2 वाटर में रिएक्ट कराएंगे ठीक है, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। वाटर नहीं भी रहेगा है ना, Br2 अगर CH2 भी है तब भी यहाँ पे ऐसा बनेगा ठीक है। ठीक है, तब भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। जबकि फिनॉल में याद करो, फिनॉल में क्या होता है, जब पानी लेते हैं जैसे Br2 वाटर होगा तब तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा ठीक है ना, और अगर इसको हम लोग Br2 CH2 या CCl4 में करेंगे तब इसमें क्या होता है, ऑर्थो और पैरा मोनो सब्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं कई बार ठीक है। तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो इसमें जो होगा सॉल्वेंट कोई भी हो है ना, सॉल्वेंट कोई भी हो इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ट्राई सब्स्टिट्यूशन ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये मोनो होगा और इसमें ट्राई होगा, क्योंकि ये जो होता है पोलर होता है, तो पोलर में ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाता है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है ठीक है। तो पोलर रहेगा तभी वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगा। तो फिनॉल के केस में अलग है, लेकिन इसके केस में हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूशन ही बनता है ठीक है। अब अगर मान लो एनिलीन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन हमको बनाना है ठीक है, तो अगर है ना एनिलीन के बेंजीन रिंग पर ठीक है मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम करना होगा ठीक है, एक्टिवेटिंग पावर को कम करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एनिलीन का एसाइलेशन कर लेते हैं, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन बाद में हाइड्रोलिसिस कर देंगे ठीक है। ठीक है, तो ये है इसमें। तो जैसे देखो, जैसे यहाँ पे NH2 है, इसको हम लोग एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते, तो ये क्या हो जाएगा,
सी टेन इलाइड बन जाएगा, सी ओ सी एस थ्री, ये हो गया एसिटा स्टेनिलाइड। ठीक है, अब तुम देखोगे जैसे एनिलीन में जो है लोन पेयर इसके साथ पूरा कंजुगेशन में है, एसिटेनिलाइड में क्या होगा कि इसका लोन पेयर क्या है, क्रॉस कंजुगेशन में, इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा, इसलिए इसकी क्या हो गया, एक्टिवेटिंग पावर कम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो होगा लेस रिएक्टिव क्या होगा, बेंजीन होगा। तो इसीलिए अगर हमको एनिलीन का क्या करना है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो पहले हम लोग सी एस थ्री सी ओ होल ट्वाइस ओ के साथ इसका हम लोग एसाइलेशन कर लेंगे। अब अगर हम इसको वी आर टू वाटर से करेंगे, ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा बनेगा, जिसमें पैरा वाला मेजर होगा, है ना, क्योंकि ऑर्थो पे क्राउडिंग है, क्योंकि एन एच सी ओ इसकी भी साइज़ ज़्यादा है ना, और ब्रोमीन की भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा होगा। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एस टू और बी आर हो जाएगा। ठीक है, इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वे, है ना, हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लो अगर आपसे कहा कि बताओ बच्चों इससे NH2 को कन्वर्ट करो, ठीक है ना, यहाँ पे कन्वर्ट करो, तो क्या आप ये कर सकते हैं? यस, देखो कैसे, सिंपली इसको हम लोग Br2 वाटर से कर दें, तब क्या बनेगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, Br और Br। अब NH2 को हटाना है तो क्या कर लोगे, वही NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2Cl बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर दें, बोलो, इसको हम लोग H3PO2 के साथ कर दें, है ना, ये 1,3-tribromobenzene बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो बच्चों कहा कि इससे आपको ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है, बिल्कुल अगल बगल बनाना है ऐसा, ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी 2 मिनट में बताता हूँ, क्योंकि हमें इसके लिए नाइट्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो पहले नाइट्रेशन कर लेते हैं। तो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, जैसे यहाँ पे NH2 है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस, तो इसके केस में बच्चों NH2 NO2 ये बनता है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ऑर्थो और पैरा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है ना प्रोडक्ट बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ अगर हम करते हैं तो यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो वाला भी बनता है, पैरा वाला भी बनता है और मेटा वाला भी बनता है,
ठीक है, ये कैसे हो गया, मेटा पे आ गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कंट्रीब्यूशन 51% होता है, ये होता है 47% और ये हो जाता है सिर्फ 2%। तो कारण क्या है बच्चों, कारण ये है ना कि यहाँ पे ये जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनिलिनियम आयन बन जाएगा, मतलब रहेगा दोनों, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में ये ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये क्या होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 और यहाँ पे मेटा वाला रहेगा। ठीक है, तो इसका भी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मेटा वाला भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जो NH3+ है तो यहाँ पे इसका -I जो होगा तो पता ही है सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑर्थो पे मैक्सिमम होगा, इसलिए ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो सबसे कम बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एनिलीन का अगर हम नाइट्रेशन कर देते हैं तो उस केस में उसमें मेटा प्रोडक्ट का भी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको ऑर्थो या पैरा ही ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए फिर से हम एसाइलेशन कर लेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे NH2 है, उसको हम CH3CO होल ट्वाइस पिरिडीन सॉल्वेंट लेके कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, NHCOCH3। अब अगर हम लोग HNO3+H2SO4 ये ले लेंगे, ठीक है, तो इस केस में NHCOCH3 इसका पैरा वाला सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ऑर्थो वाले के लिए क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो होगा, अब इसी के हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए। ठीक है, तो अगेन ये आ जाएगा NH2। और तो अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो वहाँ पे मेटा का भी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, उसी बेगा सल्फोनेशन कर लेते हैं। तो सल्फोनेशन में भी अगेन जैसे यहाँ पे NH2 है और इसको हम H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, तो ये एसिड है और ये जो बेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से NH3+ और HSO4- ये बन जाएगा, पहले सॉल्ट बन जाएगा बाद में ये SO3H यहाँ पे लग जाएगा, तो इसका नाम होगा सल्फे निलिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फे निलिक एसिड। अब ये जो है ये एसिडिक सेंटर होता है, ये जो है ये बेसिक सेंटर होता है, तो ये आपस में ड्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, मतलब जहाँ पे एसिड और बेस ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटर आयन। ठीक है, अब बच्चों इस कन्वर्जन को हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि एनिलीन से आपको क्या बनाना है, 1,2,3-ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका क्या कर लेंगे, नाइट्रेशन कर लेंगे, है ना, पैरा वाला, तो CH3COCl ले लिया, उसके बाद HNO3H2SO4 कर लिया, तीसरा इसका हम हाइड्रोलिसिस कर लिया।
तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन ओ टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एन एच टू। अब हम इसको क्या करते हैं, बी आर टू वाटर। तब देखो एनिलीन का जो पैरा वाला है वो तो घेरा हुआ है पहले से, ठीक है, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब अगर हम इसको फिर से क्या कर लें, एच एन ओ टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये डाइजूनियम बन जाएगा, यहाँ पे एन टू प्लस आ जाएगा, ठीक है, बी आर एन ओ टू। और अब इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, सी यू सैंड मेयर रिएक्शन, के बी आर, क्लियर, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे अब तीनों ब्रोमीन आ गया ऐसे। अब इस एन ओ टू को भगाना है, भगा सकते हैं कैसे, एस एन एच सी एल ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एन एच टू ही बन जाएगा, है ना, ऐसे। और फिर इसको हम लोग एन एन ओ टू एच सी एल ले लिया पहला, और दूसरा क्या ले लिया, एस थ्री, ये बन जाएगा कुछ, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है इससे हमें कन्वर्ट करना था, तो 1 2 3 ट्राइब्रोमोमेनी, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का बच्चों ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। अब आते हैं कि ये जो होता है ना, अगला इसमें है डाइजो कपलिंग रिएक्शन। तो यही जो है एनिलीन को हम लोग क्या करते हैं, एन एन ओ टू प्लस एच सी एल 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो डाइजोनियम आयन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, ये एक क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है ना वो क्या है, कंप्लीट है, तो इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ऐसा ज़रूरत नहीं। तो डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है ना, तो पी एच एन टू प्लस क्या देता है, गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बट उसी रिंग के लिए, बट फॉर हाईली बट अटैक्स ऑन हाईली एक्टिवेटेड रिंग, बट अटैक्स ओनली ऑन हाईली एक्टिवेटेड रिंग फॉर ई ए एस सच एज एनिलीन या फिनॉल, केवल इन्हीं रिंग पर, है ना, जैसे मान लो ये है ना, जैसे यहाँ पे N2 प्लस है, तो हमने कहा कि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ना, वही इस इलेक्ट्रोफाइल को आमंत्रित कर सकता है। जैसे मान लो आपको खाने की भूख नहीं है ना, आपको भूख नहीं लगे, तो कोई ऑफ़र करता है कि चलो ये जो है ना
चावल दाल खा लो, आपको भूख नहीं लगी तो आप नहीं खाओगे, मेरा मन नहीं है। लेकिन वो आपका कोई फेवरेट डिश वो अगर देता है तो आप ज़रूर से फिर से है ना उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। आपका फेवरेट है ना, आप नॉन वेजिटेरियन है, आपको चिकन मटन मिलता है तुरंत खा लो, आप वेजिटेरियन है ना, आपको आपका जो भी फेवरेट है ठीक है ना, पनीर के डिशेज हैं और भी हैं ठीक है, तो अगर वो आपको मिलता है तो आप उसको खा सकते हो। तो सेम ही होता है वीक लेप्टोफाइल, तो वही बेंजीन रिंग है ना, वही बेंजीन रिंग ठीक है ना, डायजोनियम आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिस पर क्या हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ठीक है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा ठीक है ना, वही इलेक्ट्रोफाइल सॉरी वही रिंग इसको इनवाइट करेगा। तो अब देखो, अब जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो क्या है, बड़ा इलेक्ट्रोफाइल बड़ा है। तो अब इसमें जैसे रिंग है फिनॉल का ठीक है ना, OH, ये कैसे आएगा इस तरह से, ये तो इसी को बोलते हैं डायजो कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N आ जाएगा ठीक है, प्लस चार्ज नाइट्रोजन का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे OH प्लस S। तो अभी ये वाला जो रिंग है ना, रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो अब एरोमेटाइज होगा। तो यहाँ पे जो H है, यहाँ का जो H है इसको सहित करना होगा, यही हम माइनस एच प्लस कर देंगे ठीक है। अब जो होगा ठीक है, तो इसको बोलते हैं एजो डाइज, जो कलर होता है ना बच्चों, यही कलर होता है जो होली वगैरह पे आप खेलते हैं, तो अलग अलग उसका कलर होगा है ना, जैसे ये ऑरेंज कलर का होता है, ये कैसा है ऑरेंज कलर। सेम रिएक्शन आप एनिलीन पे भी करा सकते हैं ठीक है, कि बेंजीन डाइजोनियम लिया प्लस एनिलीन ठीक है, ये लोन पेयर ठीक है ऐसे, फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसको बलि देनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो होता है ये येल्लो डाई होता है ठीक है बच्चों। तो कई बार होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम आयन इच या है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर कर दो, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, जैसे ये N2 प्लस है ठीक है,
यहाँ पे सी एस थ्री है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या लगाएगा, प्लस आई प्लस एच लगाएगा, ठीक है। ये क्या लगाएगा, माइनस आई प्लस आर लगाएगा, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर। ये है माइनस आई माइनस आर, माइनस आर काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। ये है बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल ए बी सी और डी, मोस्ट स्टेबल कौन है ना, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज जो करेगा कौन करेगा, बी कर देगा, उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, डी आएगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, डी हो जाएगा। जो लीस्ट स्टेबल है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डायजो कपलिंग रिएक्शन, तो जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH और CH3 है, यहाँ पे OH और CL है, ठीक है। कौन होगा, A B C और D, तो मोस्ट एक्टिव कौन होगा, D होगा, है ना। उसके बाद B होगा, फिर A होगा, उसके बाद C, है ना। D क्यों सबसे ज़्यादा होगा, देखो D में दोनों OH जो है इलेक्ट्रोफाइल को एक ही जगह भेज रहे हैं, ध्यान से देखो, है ना। ये वन है और ये टू है, तो वन का ये क्या है, पैरा है, और टू का क्या है, ऑर्थो है, सबसे सही है। उसी तरह ये क्या है, वन का क्या है, ऑर्थो है, और टू का क्या है, पैरा है, तो दोनों का एडिटिव है, इस वजह से ये क्या होगा बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो कुछ और लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, तो है हाउ विल यू कन्वर्ट 4-nitrotoluene टू 2-bromobenzoic एसिड, 4-nitrotoluene है ना, 2-bromobenzoic एसिड ये बनाना। तो सिंपल है कि अगर हम इसको बी आर टू प्लस एफ ई बी आर थ्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, सी एस थ्री का ऑर्थो और एन ओ टू का मेटा सेम। अब इसको हम लोग क्या कर लें, एस एन एच सी एल कर लें, तो ये एन एच टू हो जाएगा, ठीक है, एन एच टू हो जाएगा। अब इसका क्या कर दें, एन एन ओ टू एच सी एल ले लिया जाए, उसके बाद एच थ्री पी ओ टू ले लिया जाए, ये आ जाएगा। अब इस पर क्या कर दिया जाए, के एम एन ओ फोर, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अगला है कन्वर्ट 3-methyl एनिलीन इंटू 3-nitrotoluene, 3-methyl एनिलीन से 3-nitrotoluene,
हमें NH2 को क्या करना है बोलो? NO2 मिला देना है बस। ठीक है, तो थ्री मिथाइल एनिलीन टू थ्री नाइट्रोटोल। ठीक है, तो अगेन इसको हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, NaNO2। ठीक है, HCl 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2Cl आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और इसको क्या ले जाए, CuNO2 और KNO2 ले लेंगे, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, या अगर ये आपका नहीं देखा हुआ है तो ठीक है, हो जाए। अगला है एनिलीन इनटू 135 ट्राइब्रोम। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एनिलीन से बनाना है 135 ट्राइब्रोमो। क्या कर लेते हैं, पहले VR2 वाटर से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे NH2 VR और उसके बाद क्या, NaNO2 HCl पहला, दूसरा क्या S3, ये बन जाएगा। कैसे भी लिखो, ठीक है, तो अब जो है बच्चों कुछ बुक्स के और एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे 13.4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर PKB वैल्यूज। तो बच्चों देखो, अगर बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो उसका KB ज़्यादा होगा, PKB कम होगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ निकाल देना और उसका उल्टा कर देना। जैसे पहला है C2H5NH2, C6H5NH, CH3, C2H5 होल ट्वाइस NH एंड C6H5NH2। तो इनका पहले तो इसको लिख लो, एक्सप्लोर कर लो। तो देखो, ये तो प्लस आई लगा रहा है ना, यहाँ पे बेंजीन जो है NH, इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, तो आसानी से उपलब्ध नहीं होगा एच प्लस के लिए ना, लोन पेयर घूम रहा है तो देने के लिए कहाँ खाल बैठा है। ये जो है ET ग्रुप जो है NH, दो दो ET लगा है। ठीक है, तो इसकी प्लस आई काफ़ी तगड़ा है, और एक ये है, यहाँ भी लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो ए है, बी, सी और डी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद डी होगा, क्योंकि बी में थोड़ा सा प्लस आई लग रहा है ना। तो ये जो ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, ये है बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, या यही KB का ऑर्डर है। तो PKB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो C लेस देन A लेस देन B लेस देन D।
ए पी के बी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग हुआ तो डी बी ए सी ऐसे, ठीक है। तो ये पी के बी का होगा, ठीक है। सेकंड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, वही है, एक तो एनिलीन है, एन एच टू है, दूसरा यहाँ पे एन सी एस थ्री, और ये है, तीसरा है और नेक्स्ट है सी एस थ्री एन एच टू, ठीक है। तो ए बी और सी और डी, यहाँ भी देखो लोन पेयर घूम रहा है, यहाँ भी लोन पेयर घूम रहा है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, ये वाला डी है, उसके बाद डी हो जाएगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, ठीक है। थर्ड है, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चों, जो एनसीईआरटी में ना वही आईआईटी में आता है ना, ऑर्गेनिक में कोई ज़्यादा वो नहीं देते हैं, तो ये नहीं कि बहुत ही हाई फाई रिएक्शन करना है, पहले जो बुक का है बस उतना ही पता होना चाहिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, सारे रिएक्शन यही मिलेंगे, ठीक है। तो मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करने होते हैं, ठीक है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है ना, तो ये है एनिलीन है, फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन है, उसके बाद पैरा टॉल्यूडीन, तो ये है, ये क्या लगाएगा, प्लस एच लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, माइनस आर, माइनस आई बहुत तगड़ा लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन रहा, सी रहा, उसके बाद ए रहा, उसके बाद बी रहा, क्लियर। कर ले जाओ बच्चों, इसी का बी पार्ट है। फिर से है एनिलीन, फिर है एनएच सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है ना, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो मोस्ट बेसिक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद बी होगा, फिर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी टू एच फाइव एन एच टू, सी टू एच फाइव ट्वाइस एन एच, उसके बाद एन एच थ्री, ठीक है। बता चुका हूँ आपको 231 ए बी सी और डी, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। जैसे सी टू एच फाइव ओ एच, सी एच थ्री होल ट्वाइस एन एच, और सी टू एच फाइव एन एच टू, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे तगड़ा किस में है, एल्कोहल में है, ठीक है। तो ए है, बी है और सी है, सबसे ज़्यादा ए का बॉइलिंग पॉइंट होगा, बस सी का होगा, उसके बाद बी का होगा। मॉलिक्यूलर मास सेम होगा बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सिमिलर होगा, तो अमाइंस में बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड
वन डिग्री में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पे, इस कारण। बट एल्कोहल और अमाइंस में एल्कोहल का ज़्यादा होगा क्योंकि OH का हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन से क्या होगा, फार ग्रेटर होता है। अगला है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा, ठीक है ना। अब ए में बेंजीन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी। मॉलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, लेकिन ए का में हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अगला है हाउ विल यू कन्वर्ट, पहला है इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड से क्या बनाना है, मिथेनामाइन, ये बनाना है बच्चों। देखो बड़ा ही अच्छा है, इसको क्या कर दो, अमोनिया के साथ हीट कर दो, क्या आ जाएगा, CH3CO NH2 आ जाएगा। अब इसमें क्या ले लो, Br2KOH, क्या है, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो बस इसमें जानकारी बस होना चाहिए बच्चों, कौन सी चीज़ कहाँ यूज हो रही है, ठीक है। सेकंड है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स हैं, सब छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, बहुत सिस्टमेटिक है। हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन बनाना है, 1 अमीनो पेंटेन, 1, 2, 3, 4, 5 ये बनाना है, ठीक है। तो फिर से वही कर लो, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 है ना, तो ये हो जाएगा CuNH2 हो जाएगा। और इसको क्या कर दो, वही Br2 और KOH कर दो, क्लियर। उसके बाद है मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, CH3OH से CH3COOH बनाना है, तो उसको क्या कर लो, PCl5 ले लो, है ना, CH3Cl आएगा, KCN ले लो, CH3CN आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दो, हो गया। फिर है इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, तो कैसे करेंगे, एक कार्बन इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, PCl5 से कर लेते हैं, ठीक है। तो CH3CO यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अगर हम रिडक्शन कर दें, ठीक है, H2PdBs रोजेन मून रिडक्शन, क्या आ जाएगा, CH3CO H आ जाएगा,
ठीक है। अब इसको हम KCN या HCN ऐड कर लें, क्या आएगा CH3 COH CN आ जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा, या इसमें हम ग्रिगनार्ड रिजेंट है ना CH3MgBr से कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या कर लिया CH3MgBr, ठीक है। क्या हो जाएगा CH3 CO CH3 हो जाएगा, है ना, ये बन गया। अब इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें ZnHg HCl के साथ, तब क्या हो जाएगा प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। Cl2H2 कर दें CH2Cl आएगा। KOH कर दो। अब इसको K1O4 से कर दें, ठीक है। तो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, रिएक्शन से रिवाइज हो गए। फिफ्थ है, फिफ्थ हो गया है ना, सिक्स है मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, है ना। CH3NH2 से ये बनाना है, तो इसको HNO2 से करा दोगे तो ये OH आ जाएगा। PCl5 ले लोगे CH3Cl आएगा। KCN ले लो तो CN आएगा। LiLH4 ले लो, ठीक है। फिर नाइट्रोमेथेन है से डाइमिथाइल अमाइन बनाना है, ठीक है। तो इसको SnHCl कर लो, क्या हो गया CH3NH2 हो गया। और इसको CH3Br से करा लो, ये बन जाएगा। फिर है प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, एक कार्बन कम करना है। तो अगर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर लेंगे तो इथेन बन जाएगा, वही कर ही लेते हैं। तो NaOHCaO सोडा लाइम के साथ हीट कर दो तो ये क्या आएगा CH3 आएगा। Cl2H9 ले लो CH3CH2Cl आ जाएगा। KOH ले लोगे, इसको K1O4 से कर दोगे, क्लियर। नेक्स्ट इसमें 13.8 एकम्प्लीज द फॉलोइंग कन्वर्जन, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना, नाइट्रोबेंजीन से कैसे बनेगा ये, तो वही ले लो NaNO2HCl N2Cl हो जाएगा। इसको CuCN और KCN ले लो, यहाँ पे CN आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा।
बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है, बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनॉल। पहले इसका नाइट्रेशन कर दो, ठीक है? क्यों नाइट्रेशन? क्योंकि वो मेटा पे लाना है। यहाँ पे NO2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग Br2 और Fe के साथ कर दें तो मेटा पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग FeHCl से करा दें, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। फिर NaNO2 HCl, दूसरा H2O कर दो, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एनिलीन से बनाना है, एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। यहाँ पे एफ है, ये बनाना है, ठीक है? तो पहले तो Br2 वाटर कर डालो, अब इसको क्या कर लो, NaNO2 HCl, दूसरा क्या HBF4 ले लो, समझ गए? अगला है बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है 2-फिनाइल इथेनामाइन, 2-फिनाइल इथेना, ये बनाना है, ठीक है? सिंपली क्या ले लो, KCN ले लो, हो गया। तो CH2CN आ गया, इसको क्या ले लें, H2NI ले लो, वो बदल जाएगा। फिर बेंजामाइड टू टॉलिन बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, तो इसको पहले हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, COOH आ गया, LiLH4 से कर दें तो CH2OH आ गया, ठीक है? अब अगर हम इसको PCC से कर दें तो बेंजाइल डिहाइड बन जाएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन कर दें, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों है ना, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड अमाइंस।